हाँ बेबी, अरे मैं बस पहुंच गया यार, 10 मिनट। हाँ बाहर ही खड़ा हूँ, एक सेकंड में बाद में फोन करता हूँ। अबे ओ बहन की आग दिखाई नहीं देता तेरे को, जानता है तू मैं कौन हूँ? हैं क्या हो गया भाई, मैं क्यों जानूंगा तेरे को, तू है कौन? टक्कर लगी उसके लिए सॉरी भाई, तू तो भड़के जा रहा है। मजाक चल रहा है यहाँ पे, जोक मारा मैंने कोई, सॉरी क्या? अरे कोई बात नहीं भाई साहब, जाने दो, कोई बात नहीं, जाता हूँ मैं। हाँ चलता है, कला तत्व चढ़ गया बेटे तू अब। लगता है आप ऐसे मानेंगे नहीं, एक झापड़ मार दिया ना, टट्टी और पेशाब एक साथ कर देंगे। समझ में नहीं आता तेरे को है? भाई देखो भाई ना, तेरी भी फाड़ूंगा और तेरे भाई की भी, समझा? आज के बाद पंगा मत लियो मुझसे। भाई देखो ना क्या बोल रहा है आपको। कौन है भाई? भाई तेरे भाई से ही मिल के आया मैं अभी। तेरी फालतू बंदा लड़ेगा मेरे से, इसकी तो बुद्धि पे इतने चाटे मारूंगा तू देख अभी। भैया, अरे ये आपके भैया है? इनको कौन मारने की सोचेगा? इनको तो कोई मार ही नहीं सकता। भगवान बचाए जो आपकी बुद्धि गर्म करने की सोचे। क्या बे, चर्बी चढ़ी तेरे को? हाँ भैया, वो जिम जाने का सोचा था बट हो नहीं पाया, एक दो बार डाइट करने का भी सोचा था, क्या करूँ इन चर्बी जा ही नहीं रही है, अब फिर सड़क में आता जाता कुछ दिख जाता है तो खा लेता हूँ, क्या कर तड़प ही ऐसी है। ले, अब भी निकालता हूँ तेरी चर्बी। नहीं नहीं नहीं, रहने दो आप, मैं जिम जाऊँगा पक्का। बहुत गुस्सा आता है तेरे को भाई, गुस्सा तो ऐसा ही है, पाद की तरह है, आता है और चला जाता है, थोड़ी देर के लिए रहता है बस। हाईफाई कॉमेडी किंग होने की कोशिश कर रहा है ये, डाल दे इसको गाड़ी में, भी बताता हूँ तेरे को। भाई रहने दो यार, मेरे को माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तेरे को ऐसी हालत में छोड़ेंगे नहीं कि आगे पीछे तू कभी हमारे साथ कुछ ऐसा कर पाए। भाई मुझे जाने दो यार, मेरे को बंदी ने बुलाया, भाई 2 महीने में 5 ही दिन बात हुई है और आज मिलने के लिए बुलाया, नहीं गया तो समझते हो ना भाई, ब्रेकअप हो जाएगा यार, जाने दो यार प्लीज, ना ऐसा मत करो भाई, मैं माफ कर दो यार प्लीज भाई। भाई जाने दो यार, इसको प्यार का मैटर रखता है, तभी साले ने इतना मारा मुझे। हाँ भाई वो सही कह रहा है, जाने दो यार, मैं तुम्हें माफी मांग रहा हूँ यार। चल उठ भाई, प्लीज भाई मेरे को जाने दो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ यार भाई, प्लीज मैं तुम्हें माफ कर दूँ, निकल जाओ यार भाई यहाँ से, प्लीज भाई, प्लीज भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो यार, बंदी से मिलने जाना यार मुझे, मैं मर जाऊंगा मेरे को। गर्मी देख रहे हो बाहर, चल दिया हो तुम्हें एक बात बताने, इधर क्या तुम कुछ बता रहे थे मुझे? It sound right, boy. हाँ तो हुआ ये, रास्ते में मेरे को एक सरफिरा बंदा मिल गया, फिर उसने वो देखो तुम जरा, ये कर दिया, बताओ साला किसी से लड़ाई करने का ही नहीं रहा यार आजकल, देखो 2 मिनट में बंदूक निकाल के ले आते हैं यार बंदे। तो क्या हुआ, तुमने बिल्कुल सही किया जो उसके बजा दिए। तुम वो सब छोड़ो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरी फोन पे बात हुई थी तो आपने कुछ बोला था मुझे। हाँ, मैं नहीं करने वाली कोई क्रिसमस। यार ऐसा मत बोलो यार, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए मिलने आया हूँ यार, इतनी धूप में यार मत करो यार ऐसा, एक बस। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, चल।
कौन है? मदरा मेरे भाई हैं। हैं? हाँ, पर तुम्हें क्या हो गया एकदम? तुम्हें पता है मेरे भैया बहुत शांत दिमाग के हैं। हाँ, बस जब तक उनको गुस्सा ना आए तब तक। एक बार की बात बताऊं, उनके नौकर ने ना गलती से खाने में ना नमक ज्यादा कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सीधा उसके पैर पे गोली मार दी। क्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार ये सब? अरे हमारी फिर बात ही ना हुई है। कोई नहीं, अब बता दिया तुम्हें। तुम्हारा भाई इतना खतरनाक इंसान। मेरी बात सुनो, अगर उन्हें पता लग गया मान लो कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो क्या करेंगे वो? अरे कोई नहीं, तुम चिंता मत करो ना, मैं उनको समझा दूंगी। अच्छा, वो नहीं माने फिर क्या होगा? तो क्या, एक गोली कम हो जाएगी उनकी गन में से। है? तेरा दिमाग तो सही है, बराबर फंसाया है तूने मुझे यार। अरे यार तुम इतना डर क्यों रहे हो? अभी भैया थोड़ी है यहाँ पे, उनको पता थोड़ी चला है। अब सुन मेरी बात सुन, जब मैं आया था मैंने तेरे को एक कहानी बताई थी कि मेरे को रास्ते में लड़का मिल गया था सरफिरा, जिसने गन दिखाई थी, है ना? वो तेरा ही भाई है यार। क्या? हाँ। देखो बहन मुझे माफ करो, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं जाना, मेरे को मरना नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे यार मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को नहीं रुकना है, और थैंक यू सब कुछ इतना आपने जल्दी बता दिया मेरे को, तो मैसेज। अरे यार ये बात तो सुनो। कौन है? मुझे क्या पता, तुम पूछो ना कौन है। कौन? अरे मैं हूँ तेरा भाई। मैं गेट खोल देती हूँ, आ रही हूँ। तो दीवार तो रुआ यार, कोई और तो होगा रास्ता, कुछ तो बनाया होगा, खिड़की दरवाजा कुछ तो होगा, पीछे से निकल जाओ जिससे। हाँ एक रास्ता है। क्या क्या, जल्दी बोलो ना। उसके लिए तुम्हें छत से कूदना पड़ेगा। ठीक है तो फिर मैं गेट खोलने जा रही हूँ, आ रही हूँ। अरे दरवाजा खोल। देखो तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल बाकी हैं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? इच्छा पूरी करनी तो है ना, मेरे को क्या पता था मेरी आखिरी इच्छा होगी यार ये। मैं जाती हूँ फिर गेट खोलने। हाँ आए भैया। इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? वो भैया मैं बाथरूम में थी ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। मुझे लगा अंदर कोई है। कोई है? हाँ वो किसी की आवाज आ रही थी ना, किसी लड़के की। लड़के की? हाँ वो टीवी से आ रही होगी आपको। अच्छा अच्छा टीवी से। हाँ। वैसे मेरे रूम में क्यों आना हुआ आपका? देख आज मेरे को एक लड़का मिला था, एक नंबर का हरामी, जी तो क्या साले को ठोक दूं वहीं पे, मगर जाने दिया। क्यों भैया, क्या किया उसने ऐसा? अरे वो मेरे आदमी को मार रहा था, फिर उसने मेरे को बोला कि वो किसी लड़की को मिलने जा रहा है जो घर पर अकेली है। ओ अच्छा, फिर? देख बहन मुझे तेरी कितनी चिंता है, कहीं आगे जाके कोई ऐसा लड़का तुझे अपने जाल में ना फंसा ले, समझ सकते है ना तुम? बस इसलिए देखने चला आया तेरे को। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को देख लिया फिर? देख लिया देख लिया। ठीक है जाओ। अरे बहन तो मुझे भगा क्यों रही है, क्या एक भाई अपनी बहन के साथ 2 मिनट बैठ के बातें भी नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हो भाई। हाँ बैठ, मैं राजा को बोल देता हूँ, वो 2 चाय ले आएगा हमारे लिए। हाँ भाई जैसा आपका मन करे। हाँ राजा 2 चाय भेज दे ऊपर, हाँ 5th फ्लोर पे। अब बहन तेरे को कुछ ज्ञान की बातें बताऊं। देख आजकल ना अच्छे लड़के मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के लड़के ना लड़कियों का फायदा उठाना जानते हैं, तो समझ सकती है ना।
मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। या, या, इस साइड चलो। हाँ तो मैं कहा था, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी ना बहुत धूमधाम से हो, समझ रहे ना तू? वैसे गेट से याद आया, तेरे पीछे वाली बालकनी का गेट खराब हो रहा था ना, ला ठीक कर देता हूँ। मैं करवा लूंगी बाद में। अरे बाद में क्यों, अभी करवाते हैं ना, चला। अरे शर्मा क्यों रही है, तेरा भाई तो हूँ, कर दूंगा ठीक, और नहीं ठीक हुआ ना तो साले मैं गोली मार दूंगा, अपने आप खुल जाएगा। आ जा आ जा, शर्मा क्यों रही है। हाँ तो यही कह रहा था। ओए कौन है तू, कौन है ये? भैया ये, ओ भाई साहब ये पंखा रिपेयर करने आए थे, वो दीदी ने फोन करा था ना आने के लिए तो। हाँ हाँ भैया पंखा खराब हो गया था ना, तो इसी के लिए बुलाया था मैंने इनको। हो गया पंखा ठीक हो गया? अच्छा ये तो चल रहा है। बताइए अब पंखा रिपेयर करेंगे तो चलेगा ही ना? हो गया तेरा पंखा रिपेयर? हाँ जी हो गया। चल निकल गया। कैसी बात कर रहे हैं ये? अब जब पंखा रिपेयर हो गया है तो हम तो घर ही जाएंगे ना, अब हमें बिठा के खाना थोड़ी खिलाएंगे। कुछ और खिलाऊं? तेरे यहाँ लोग पंखा रिपेयर करने के बाद पैसा नहीं लेते हैं क्या? पागल काले से बेवकूफ हो गया। मतलब हमारा मतलब है कि हम बेवकूफ थोड़ी है जो बिना पैसे लिए चले जाएंगे। ला ही दी हमारा पैसा दी। बिना पैसा लिए तो कहाँ जा रहा था? अरे छोड़ो ना, मैं UPI कर दूंगी आपको, अब जाओ अब जाओ। हाँ ए रुक, तुम्हारे पास नंबर है इसका? वो कंपनी वालों ने भेजा था ना, तो उसमें नंबर भी मेंशन था इनका। अब क्या ही बात करें इनसे यार, छोड़िए कुछ बात ही नहीं करनी। ओए चल निकल जा। अबे कपड़े गिर गए तेरे, कपड़े लेके जा। अबे ये तो वही है। अरे अंदर को खोलो, अंदर को। बे तेरी इतनी मजाक, तेरे को तो बाद में देखता हूँ मैं। अबे रुक। तो हे गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज यार इसको एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिना यार जाना ही मत। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।